गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राधा एक पिक्चर बनाती है एरोप्लेन का कलर्ड पेपर से। एरिया फाइंड करना है जितना पेपर यूज होता है एरोप्लेन बनाने में, है ना। तो पेपर का एरिया निकालना है एरोप्लेन बनाने में जितना यूज होता है। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, एरोप्लेन को डिवाइड कर लेंगे, है ना, अलग अलग पार्ट में। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल का, है ना, ट्रायंगल वन का एरिया निकालेंगे। ट्रायंगल का साइड इस प्रकार है, दो साइड है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और एक साइड है 1 सेंटीमीटर। स्टूडेंट एक साइड को ए लेट कर लेंगे, ए 5 सेंटीमीटर, दूसरे साइड को बी लेट कर लेंगे, बी 5 सेंटीमीटर, और थर्ड साइड को सी लेट कर लेंगे, सी 1 सेंटीमीटर। अब स्टूडेंट हेरोंस के फॉर्मूला से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। पहले एस निकालना होगा, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय टू, है ना। वैल्यू पुट करेंगे, एस आता है 11/2। अब स्टूडेंट ट्रायंगल वन का एरिया निकालेंगे हेरोंस के फॉर्मूला से। ये फॉर्मूला होता है, एस का वैल्यू पुट करेंगे, एस है कितना 11/2। जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ पर 11/2 पुट करेंगे। फिर ए बी और सी ट्रायंगल का तीनों अलग अलग साइड है, वो वैल्यू पुट करेंगे। तो स्टूडेंट ट्रायंगल का इतना आता है, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 11 × 1/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 × 1/2, और इसको हम लिख सकते हैं 1/2 × 9। तो 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 3। अब स्टूडेंट सेम फैक्टर का पेयर बना लेंगे, और पेयर से एक एक रूट से बाहर करेंगे। जैसे इन दोनों पेयर से, इन दोनों का एक पेयर बनता है, तो एक 1/2 बाहर निकलेगा रूट से। इन दोनों का एक पेयर बनता है, एक 1/2 उसमें से निकल जाएगा, और एक पेयर इन दोनों का बनता है, तो उसमें से एक 3 बाहर निकलेगा। 11 अनपेयर्ड है, वो रूट में ही रखेंगे। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इतना आता है 11 का स्क्वायर रूट, इतना आता है। दोनों मल्टीप्लाई करेंगे बाय 4, 4 से डिवाइड करेंगे उतना आता है। तो ट्रायंगल वन का एरिया फाइंड हो गया। अब स्टूडेंट फिगर सेकंड का एरिया निकालेंगे। फिगर सेकंड रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल का लेंथ है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रिथ है 1 सेंटीमीटर, है ना। तो फिगर सेकंड का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रिथ, है ना। तो लेंथ का वैल्यू पुट करेंगे, ब्रिथ का वैल्यू पुट करेंगे, तो फिगर सेकंड का एरिया आएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये दोनों फिगर का, फिगर 4 और फिगर 5 दोनों राइट ट्रायंगल है। दोनों फिगर क्या है, राइट ट्रायंगल। यहाँ पर मैंने अलग से उसको ड्रॉ किया है। दोनों फिगर का डायमेंशन सेम है, है ना। दोनों फिगर का डायमेंशन सेम है और दोनों राइट ट्रायंगल है। एक राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे
जितना आएगा दूसरा राइट ट्रायंगल का भी एरिया उतना ही आएगा। तो हम फिगर फोर का एरिया निकालते हैं। फिगर फोर का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्यों राइट ट्रायंगल है, बेस होगा सिक्स और हाइट है 1.5, टू से सिक्स कटेगा थ्री जा, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्टूडेंट जितना एरिया इसका आएगा उतना ही एरिया इसका भी आएगा, है ना। तो हम यहाँ पर सिमिलरली लिख करके और बता दिए हैं कि एरिया फिगर फाइव, ये फिगर फाइव है और ये फोर है। तो फिगर फाइव का एरिया क्या होगा 4.5, जितना इसका आएगा उतना ही इसका भी आएगा क्योंकि दोनों का डायमेंशन सेम है। तो इसका हम निकाल लिए 4.5 आया, तो इसका भी कितना आएगा 4.5। स्टूडेंट अब फाइंड करेंगे फिगर थ्री। फिगर थ्री है ट्रेपेजियम, है ना। यहाँ पर मैंने ट्रेपेजियम का अलग से फिगर बनाया है, उसका नेमिंग कर लेंगे ए बी सी डी। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, है ना। और ए बी और डी सी पैरेलल है ना, और यहाँ से परपेंडिकुलर और यहाँ से भी परपेंडिकुलर है, इसलिए ये ए बी एफ ई क्या होगा रेक्टेंगल। तो क्यों रेक्टेंगल होगा, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है। ट्रेपेजियम का क्या होता है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल होता है। तो यहाँ ए बी और डी सी पैरेलल है और ए ई और बी एफ परपेंडिकुलर है। तो ए बी ई एफ ई क्या होगा रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होता है, ये वन है तो यहाँ से यहाँ तक वन हो जाएगा, है ना। अब हम इस दोनों ट्रायंगल को कंग्रुएंट करेंगे, तो ये दोनों साइड इक्वल है, ये 90 और ये 90, और ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, इसलिए ये दोनों इक्वल होगा। अब इस दोनों ट्रायंगल को हम कंग्रुएंट कहेंगे, तो करिस्पोंडिंग साइड सीपीसीटी से इक्वल होगा, तो डी ई और एफ सी इक्वल हो जाएगा, है ना। डी ई और एफ सी क्या हो जाएगा इक्वल। अब देखो यहाँ से यहाँ तक टू दिया हुआ है और उसमें से यहाँ तक वन होगा, तो ये और फिर ये दोनों मिला करके वन आएगा, बट ये दोनों इक्वल है तो दोनों इक्वल कितना होगा 1/2, है ना, यानी 0.5। अब स्टूडेंट ए ई निकालेंगे पाइथागोरस से, है ना, इस राइट ट्रायंगल में क्या फाइंड करेंगे ए ई। तो राइट ट्रायंगल में जाएंगे और क्या फाइंड करेंगे ए ई। तो पाइथागोरस से क्या होगा ए ई स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, है ना। ए डी वन दिया हुआ है और डी ई होगा 0.5, है ना, इसका स्क्वायर वन आएगा, फिर इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 0.25, दोनों को माइनस करेंगे इतना आता है स्टूडेंट।
अब हम ए ई फाइंड करेंगे तो स्क्वायर हटाएंगे तो आरएचएस में रूट लग जाएगा, इसमें रूट लग जाएगा, है ना। अब डेसिमल हटाएंगे नीचे में 100 आएगा, कैंसिल कर देंगे, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, कितना आता है √3/2, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, है ना। रूट के अंदर में 3/4 आता है, 4 का स्क्वायर रूट 2 होगा। तो स्टूडेंट ए ई √3/2 आता है। अब देखो ट्रेपेजियम का ये क्या है, है ना, ए बी सी डी ट्रेपेजियम है और ए ई उस ट्रेपेजियम का हाइट है जो कि हम लोगों ने फाइंड कर लिया। अब ट्रेपेजियम का एरिया मालूम करेंगे, क्या होता है फॉर्मूला, हाफ इंटू सम ऑफ द पैरेलल साइड इंटू हाइट। यहाँ पैरेलल साइड है ए बी और डी सी, तो सम ऑफ द पैरेलल साइड होगा ए बी प्लस डी सी और हाइट है ए ई, है ना। अब ए बी का वैल्यू पुट करेंगे, डी सी का वैल्यू पुट करेंगे और ए ई का वैल्यू पुट करेंगे, है ना, दोनों को प्लस करेंगे इतना आता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना आता है, √3 का वैल्यू 1.73 ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इतना आता है, 4 से इसमें डिवाइड करेंगे 1.29, है ना। तो फिगर 3 का एरिया हम लोग फाइंड कर लिए। अब क्या था कि राधा ने एक एरोप्लेन बनाई थी कलर्ड पेपर से, तो उसको बनाने में कितना एरिया का पेपर लगा वो फाइंड करना था। तो हम लोग एरोप्लेन को डिवाइड करके सबका अलग अलग एरिया निकाले थे। अब टोटल पेपर कितना यूज़ होगा, है ना, उस एरोप्लेन को बनाने में, तो सारे पार्ट को जो अलग अलग करके एरिया निकाले थे उसको प्लस करेंगे, है ना। तो इस प्रकार से सारे पार्ट का एरिया प्लस करेंगे तो टोटल एरिया ऑफ पेपर यूज्ड इज इक्वल टू इतना आता है। इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 19.3 होगा, है ना। तो टोटल एरिया ऑफ पेपर कितना यूज होता है, 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट।